पे तो पूरा मल्टीपल सेशन हो सकते हैं। सिर्फ एक चेक पॉइंट है कि क्या आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजाइन करते हैं उसमें आप KPIs क्या डाल रहे हैं, क्या आप सिर्फ टारगेट्स और रिजल्ट्स बेस्ड डाल रहे हैं या आप कॉन्ट्रीब्यूशन भी डाल रहे हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये चारों सिनेरियोज हो सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, यू नो समबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड देर आर रिजल्ट्स, दिस इज वेरी फाइन। समबडी हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, देर आर नो रिजल्ट्स, दिस इज ऑल्सो फाइन। लेकिन ये दो सिनेरियोज होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। सोशल लोफिंग जिस तरह सिनर्जी होती है ना, उसमें सोशल लोफिंग भी एक चीज होती है। 2+2 is 3 not 5 because there are people who are sitting in the organization not doing anything and then there are results. Do you want to reward such a person? क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस्ड है और वी आर एक्चुअली रिवॉर्डिंग मीडियोक्रिटी, वी आर रिवॉर्डिंग पुअर परफॉर्मेंस बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल या लेट्स से टारगेट्स जो रिजल्ट्स हैं उस पे अपने PMS को डिजाइन कर लिया है। हमने कोशिश की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी और हम अपने इस चीज को एडवोकेट भी करते हैं कि PMS में आप कॉन्ट्रीब्यूशंस और रिजल्ट्स दोनों को गेज करें। एंड ऑब्वियसली कंपनी हैज अ लिमिटेड पूल ऑफ मनी, वी आर नॉट सेइंग कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे यू स्टिल रिवॉर्ड द पर्सन बिकॉज यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट क्योंकि रिजल्ट्स ही नहीं आए। That's understandable, but the contribution still PMS इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि contributions identify हों, highlight हों और at least pat on the back दे सकें या किसी future opportunity के लिए उस employee को highlight कर सकें। This is a key point. बाकी performance management system is a very vast subject. Don't make performance management system only on results. Contribution की KPIs बनाएं और contribution KPIs बनाना थोड़ा सा लंबा काम है। सिंपल क्लू ये है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन यूनिकली बाय वन पर्सन। कॉन्ट्रीब्यूशन वो होगी जो मैंने खुद करनी है और इट कैन बी सिंपली आंसर्ड एज अ यस और अ नो, कॉन्ट्रीब्यूशन हुई या नहीं हुई एंड देन इट कैन बी क्वांटिफाइड। मे बी एट सम अदर टाइम वी इंटरैक्ट तो हम इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। एंड माई लास्ट स्लाइड, you're happy, I just said it ताकि वहां से कोई, it's not the last, मैंने कहा थोड़ी सी तसल्ली दे दें। So, I think let's conclude. Managers, they manage resources and achieve targets. It's quite important. Organizations have to have this role. We don't require leaders everywhere, by the way. We don't require leaders everywhere. Some there would be areas where you, for a short span of time, require a manager. You know, put a manager, get the work done. Don't spend a lot of time in soft and themes and those kind of stuff. We are in a aggressive market, but don't forget that for a consistently long-term achievement of overwhelming results, you need willing people, and that condition is only achieved by good leadership and not only मैनेजमेंट। सो आई थिंक इससे पहले कि ये एक टीजर है आपके लिए, इसके बारे में सोचिएगा कि अगर हम वो इंटेंशन की बात भी हमने कर ली, इंटेंशन टू सर्व की बात भी हमने कर ली और हमने लीडरशिप को इस तरह डिफाइन भी कर दिया, तो फिर इनोवेशन कहाँ पे प्लेस होती है इन अ लीडरशिप रोल? व्हाई शुड द लीडर डू इनोवेशन एक्चुअली, टू बी मोर स्पेसिफिक, दैट्स माय क्वेश्चन। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर, think about it, you can send me an email, what do you think about it? Innovation management ki aajkal bahut baat hoti hai, isko leadership ki is context mein jisme humne discuss kiya hai, think about it and give me your ideas if you have time. Metric mein thi ye hamare, not gold but only men can make a people great and strong, men who for the truth and honor sake stand fast and suffer strong. Build a nation's pillar deep and lift them to the sky. ये leaders के काम होते हैं। ठीक है जी, thank you very much.
figure out what this pen is made up of, and I could guess it must be a metallic one. That is why you could hear the disturbance in the mic. So, being engineer, we have to be careful. Okay. As a token of appreciation, before I present this souvenir to Amit, I would like to extend my vote of thanks to everyone who is present here, and also to those who were here in the beginning of the journey, but because of certain reason they have left us. They are no more in this auditorium, but I would like to convey my thanks to all of them, and we hope to listen and invite Amit here again in this auditorium for a session for our members, and we have invited him. He has come all the way from Islamabad, so I must be thankful to him for his valuable time that he spent during his journey as well. So have a safe journey back, and thank you very much.